हेलो, मेरा नाम प्रदीप सिंह राघव है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लास नंबर 24 में आपका स्वागत है और आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। आज की क्लास में हम स्टेमिना के लिए वर्कआउट करने वाले हैं, किक्स की क्लियरिटी के लिए वर्कआउट करने वाले हैं और पेट के लिए, एब्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस आज की। सबसे पहले 50 बार जंपिंग जैक, ठीक है? 50 टाइम्स, ओके। 50 बार करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज करनी है, डिप्स लगानी है, ठीक है? दोनों हाथ यहां पे रखना प्रॉपर और डिप्स लगानी है, पुशअप्स 10 टाइम्स करनी है आपको ये, ठीक? उसके बाद में क्या करना है आपको, आपको हाथ 10 टाइम्स पुशअप करने के बाद में आपको पीछे करना है आपको ऐसे और उठना है, ठीक है? वापस से आपको हाथ नीचे रखना है, वापस से आपको आगे की तरफ जाना है। ये हो गया एक, फिर से उठना है, ठीक है? फिर से जाना है, ठीक है? ऐसा भी आपको 10 बार करना है, मतलब 50 बार जंपिंग जैक किया, 10 टाइम पुशअप्स की, 10 टाइम ऊपर नहीं, ये चीज करी। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है? उसके बाद में अगली चीज के ऊपर चलते हैं अपन, ठीक है? सबसे पहले 10 10 स्ट्रेचिंग किक करेंगे अपन, 10 10 स्ट्रेचिंग किक, ठीक है? आ जाओ देख लो, 10 टाइम स्ट्रेचिंग किक, राइट लेग नीचे रखना, प्रॉपर उठाना, दोनों पैरों से 10 10 करना, ठीक है? प्रॉपर उठाना पैर, ओके। स्ट्रेचिंग किक करने के बाद में आप नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट चीज है हॉर्स स्टांस के अंदर मिडिल पंच करना, ठीक है? मतलब अपन अब तक मुए थाई की पंच करे अपन ने, आज अपन कराटे की पंच करेंगे, ठीक है? दोनों पैर ऐसे रखेंगे, ठीक है? बैंड होना है और मिडिल पंच करना है आपको, ठीक है? 100 टाइम्स मिडिल में, सेंटर में। इस पर कंधे आगे नहीं जाएंगे, पाओ की पोजिशन चेंज नहीं होगी, बैलेंस करना है और मारना है 100 टाइम्स पंच, ठीक है? जितनी स्पीड से चल, स्पीड से नहीं, 100 टाइम्स करना है आपको, ठीक है? ठीक, ये हो गए पंच 100 टाइम्स, ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको करनी है, इस 3 3 बार सूर्य नमस्कार पोजिशन दोनों तरफ, ठीक है? मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे सीधा वाला पैर है उसको पीछे रख दिया पहले, पोजिशन नंबर 1, दोनों हाथ नीचे पंजे पर, दूसरी तरफ भी सेम, दोनों हाथ नीचे, ठीक है? 3 3 बार करना है आपको दोनों तरफ, ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद में खड़े होना है और पैर को उठाना है साइड में, ठीक है? देख लो इस तरीके से, मतलब जैसे सपोज करो ये 1, ठीक है? 2, हल्का सा पैर इस तरीके से रहेगा, ब्लेड टाइप से, ठीक है? तो 10 10 टाइम्स दोनों तरफ, ये टाइप से ऐसे कुछ, ऐसे पैर उठाना दोनों तरफ, ऐसे उठाना, ठीक है? ओके, 10 10 टाइम्स ये करने के बाद में उसके बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाओ आप, हाथों के ऊपर होल्ड करना, ठीक है? हाथों के ऊपर होल्ड अपन करते हैं, ठीक, हाथों के ऊपर होल्ड करना इस तरीके से, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करना, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करना, ठीक? उसके बाद में नेक्स्ट चीज इसी के अंदर दूसरी चीज है कि आपको हाथों को होल्ड करना है, ठीक है? और इतना आगे तक जाना है हल्का सा, देन रुकना है, वापस जाना है एंड ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है? 10 टाइम्स करना है आपको ये चीज, ठीक है? पूरा ऊपर की तरफ गए, दोनों हाथ नीचे है, देन अगर अपन अगेन आगे की तरफ पैर गए और अपन ने अपर बॉडी अपन ने स्ट्रेच करी 10 टाइम्स यहाँ पे करना, सूर्य नमस्कार पोजीशन के बाद में साइड की करी, ब्लेड की और उसके बाद में हाथों को होल्ड करने के बाद, समझ में आया आपको इतना? ओके, नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट चीज है अपनी दोनों हाथों के ऊपर अपन को होल्ड करना, ठीक है? एल्बोज के ऊपर प्लैंक, ठीक? देख लो,
ठीक है, इतना 30 सेकंड करना इस चीज को और लेट जाना, उसके बाद में आप लेट जाना। देखो थोड़ा साफ वहां पर ध्यान रखना कि तीन जगह हो। लेटने के बाद में तीन चीजों का सेट करना है आपको, तीन चीजों का, ठीक है। पहली चीज क्या है, लेग एक्सटेंशन। दूसरी चीज क्या है, अल्टरनेट लेग्स। और तीसरी चीज क्या है, 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे होल्ड, ठीक है। तीनों को 20-20 बार करना है, ठीक है। 20 बार लेग एक्सटेंशन, 20 बार अल्टरनेट लेग्स और 20 सेकेंड 30 डिग्री या 45 डिग्री पे होल्ड। देख लो एक बार किस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पैर सीधे, ये चीज पूरा टिकाना नहीं है पैरों को, ओके। देन क्या करना है, देन ये, और एंड में होल्ड, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद में खड़े हो जाए आप, ठीक है। अगेन अगेन हॉर्स स्टांस के ऊपर चलेंगे और अपर पंच करेंगे, ठीक है, ओके। हॉर्स स्टांस, ठीक, और अपर पंच मतलब फेस की डायरेक्ट। पहले अपन चेस्ट के, अपनी खुद की चेस्ट के डायरेक्ट में मार रहे थे, अब अपन फेस के डायरेक्ट में मारेंगे, ठीक है। वही 100 पंच, 50 एक हाथ से, 50 दूसरे हाथ से, 50-50 ईच, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो एक बार आप, उसके बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट चीज है हाथों की एक्सरसाइज। राइट वाला हाथ घुमाओ 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। दूसरा वाला हाथ, रिवर्स, दोनों हाथ शोल्डर पे घुमाना है, ठीक है। रिवर्स, दोनों कमर पे शोल्डर घुमाओ दोनों तरफ से 20-20 बार, ओके। इतना हो गया, ठीक है। शेक योर हैंड्स, रिस्ट रोटेशन, रिवर्स 20-20 बार करना, दूसरे वाले हाथ से रिवर्स। अब ये चीज जितनी मैं करवाऊ उतनी ही, अप स्ट्रेच, डाउन स्ट्रेच, इनसाइड स्ट्रेच, आउटसाइड स्ट्रेच, एक ही बार मतलब अप स्ट्रेच, डाउन स्ट्रेच, इनसाइड स्ट्रेच, आउटसाइड स्ट्रेच, शेक योर हैंड्स, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अभी राइट वाला लेग पीछे की तरफ रखना है आपको, और सबसे पहले फ्रंट किक करनी है। फ्रंट किक अलग है हैमर किक से, है ना, और अलग है अभी सारी किक से। आप एक बार जो मैं अभी करवा रहा हूं आपको, वो उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आपको घुटना ऊपर उठाना है और पैर को खोलना है, ठीक है। टाइक्वांडो के अंदर ये पुंसे के अंदर काम आती है ये किक, और अलग अलग मार्शल आर्ट्स के अंदर काम आती है, और रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट किक है। एक तरीके से पुश किक को फेस में मारने की कोशिश कर रहे हैं, इतना समझ लो, ठीक है। और इसमें सिर्फ आगे वाला फ्रंट पोर्शन यूज होगा, जो पैर का पंजा है सिर्फ वही हिट होगा, ठीक है। 30-30 बार मारनी दोनों पैरों से, पीछे की तरफ रखना राइट वाला लेग और उठाना और हिट करना और वापस आना, मतलब रख सकते हैं वहीं पर एक बार, ठीक है। ऐसे करें अपन, और फेस टारगेट पे ये खोला वापस ले आना, देखो खोला वापस ले आया, खोला वापस ले आया। एक तरीके से समझ सकते हो कि चिन के ऊपर हिट कर रहे हैं अपन, ठीक है, हिट कर रहे हैं वापस ला रहे हैं। 30-30 बार दोनों पैरों से ये चीज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज पे आ जाओ। नेक्स्ट चीज है आउट टू इन किक, ठीक है। आउट टू इन किक कितनी बार, 30-30 टाइम्स ईच लाइक, ठीक है। दोनों पैरों से 30-30 बार करनी है आपको आउट टू इन किक, समझ में आया, ओके। राइट वाले पीछे रखना सबसे पहले और उठा के हिट करना प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर मारना, बैलेंस रखना। 20-20 बार दोनों पैरों से हिट करनी है आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज है इन टू आउट किक, वो भी 30-30 बार करनी है आपको, अंदर की तरफ से सेंटर पैर, ठीक है, प्रॉपर एक सर्किल लेना और हिट करना, ठीक है, ओके। इतना समझ में आ गया, ओके, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप, ठीक है। दो किक्स हुई है, एक फ्रंट किक हुई थी,
साइड में ब्लेड हुई है ओके okay. अभी आ जाओ आप स्लैप किक के ऊपर ठीक। अब मारनी है आपको दो स्लैप और थर्ड स्लैप जो है वो होगी फेस पे, दो स्लैप ऑन चेस्ट थर्ड ऑन फेस, क्या समझ पा रहे हो ठीक है। और तीनों की क्या हवा में नीचे नहीं टिकेंगी, सीधे सीधे एयर में ही चेंज करना है अपन ठीक है। वन टू एंड थ्री ठीक है, देखो फिर से देख लो, वन टू एंड थ्री फेस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करना। जो जो नए प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हो या जिनसे नहीं हो पा रहा हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होती प्रैक्टिस तो नहीं होती। अगर नहीं हो रही है तो सिंपली दीवार पे हाथ लगाना ठीक है, सपोर्ट मिल जाएगा और फिर मारना, दीवार पे मारना ठीक है, दीवार की सपोर्ट लेना और फिर हिट करना। इतना समझ में आया आपको? तीन किक्स का मतलब एक किक, तीस तीस दोनों पैरों से ये चीज आपको करनी है ठीक। इतना हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन ने अपनी प्रैक्टिस पे आगे ओके। अभी आपको करनी है नॉर्मल जंप ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल जंप करिए 100 टाइम्स ओके करो ठीक है ओके। पर आज अपनी जो चीज कर रहे हैं अपन वो है कि आप कितनी हाई किक मार सकते हो, मतलब अगर अपन को एयर के अंदर टारगेट लेना होता है तो जनरली दो किक्स बहुत काम आती है। एक तो सिंगल जंप में अपन हिट करें, जैसे सपोज करो यहाँ पे इतना टारगेट है, इतना टारगेट है, कितना भी टारगेट है, कितना भी ऊंचा टारगेट है, कोई भी अपन हाई किक हाइट पे किक मारते हैं तो उसमें दो किक्स होती है, या तो एक अपन सिंगल सीधे जंप लेके मारे या फिर एक अपन पैर को हल्का सा रख के फिर मारे हवा में। आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्टली हिट करने की ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ठीक। तो दोनों पैरों से अपन ट्राई करेंगे, खड़े खड़े ट्राई करेंगे ठीक है, जैसे ऐसे खड़े हैं अपन ठीक है, ऐसे खड़े नॉर्मल जंप कर रहे हैं अपन ठीक है नॉर्मल जंप करनी है आपको और पैर को प्रॉपर उठाना है। देख लो एक बार, जैसे इतनी मारी अपन ने, देखो फिर ठीक है, तो अपन टारगेट कर रहे हैं कि कितना ऊपर अपन मार सकते हैं ठीक है। तो इसी की चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है 20 20 बार दोनों पैर से, कोशिश करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट खींच सको पैर की ठीक है। जैसे कोशिश टारगेट रखो कि पहले अपनी चेस्ट के बराबर आनी चाहिए, फिर अपने फेस के बराबर आनी चाहिए ठीक है, और जितनी जंप आप ज्यादा लोगे उतनी हाई मार पाओगे, उतनी हाई खोल पाओगे किक को, समझ में आया। फिर से दिखाओ एक बार, फिर से देख लो, नॉर्मल जंप एंड अगेन ठीक, अपनी हाइट के बराबर मारने की कोशिश करो ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे अपन, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, टाइम लिखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।